आप सबको डॉक्टर रजनी रमण झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के सातवें अंक का पारायण प्रारंभ कर दिया है और यह अंतिम अंक है। इसमें हमने अभी तक यह पढ़ा है कि दुष्यंत और मातली जो है रथ को लेकर नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरते समय एक ऐसा पर्वत देखते हैं जो ऐसा लगता है जैसे सोने की उसमें से धारा बह रही हो। तो पूछते हैं कि यह कौन सा पर्वत है, तो मातली कहता है कि हेमकूट पर्वत है और यहाँ भगवान कश्यप यानी कि प्रजापति हैं जो मरीचि के पुत्र ब्रह्मा के पोते, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और वही असुरों मनुष्यों सबके पिता माने जाते हैं प्रजापति। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ तपस्या कर रहे हैं तो राजा कहता है कि मैं तो इनके दर्शन करके ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो कहता है बहुत उत्तम बात है, प्रथमः कल्पः, बड़ी उत्तम बात है, प्रथम मतलब उत्तम, कल्पः बात है, बड़ी उत्तम बात है। अब फिर वह दोनों नीचे उतरते हैं। राजा सविस्मयम्, राजा विस्मय के साथ देखकर कहता है उपोड शब्दा नरथांग नेम यह प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया निरुद्धस्ता तवाव तीर्णोपि रथो न लक्ष्यते। उपोड शब्दा नरथांग नेम यह, जो रथांग नेमी है रथ के पहिए के जो नेमी है जो अरे वो उसका जो घेरा है, अभूतल स्पर्शतया रथांग नेम यह उपोड शब्दा न, पृथ्वी का स्पर्श न करने के कारण पहियों के रिम आवाज़ नहीं करते हैं। जो नेमी है वो पहिए का जो घेरा है वो आवाज़ नहीं करता है क्योंकि उसने पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया है। और आगे कहते हैं कि उपोड शब्दा न च रजः प्रवर्तमानम दृश्यते, और न ही धूल जो है वो चलती दिखाई दे रही है। अनिरुद्ध तब रथ अवतीर्ण अपि न लक्ष्यते, और तुम्हारा जो यह रथ है रोक न होने से, किसी भी प्रकार का रोक नहीं है इस पर, किसी ने रोका नहीं है, तो उतारा नहीं होने से भी ऐसा लग रहा है, भले उतारा नहीं होने पर भी रथ को तुमने उतार दिया है लेकिन फिर भी यह उतारा नहीं गया है ऐसा लग रहा है। उपोढ शब्दा न रथांग ने मया, रथ जो नीचे उतरेगा धरती पर तो आवाज़ आएगी ना, टकराएगा तो, लेकिन ऐसी आवाज़ आई ही नहीं। प्रवर्तमानम नच दृश्यते रज, और धूल उड़ेगी लेकिन यहाँ पर धूल उड़ती दिखाई नहीं दे रही है। अभूतल स्पर्शतया निरुद्ध तवा अवतीर्णो रथो न लक्ष्यते, अभूतल स्पर्शतया, इसने भूतल का स्पर्श नहीं किया, जमीन का स्पर्श नहीं किया है और इसलिए अवनिरुद्ध तब रथ, इसलिए यह जो तुम्हारा रथ है वो क्या है, अवतीर्ण उतरा हुआ होकर भी अवतीर्ण सपी तथा न लक्ष्यते, उतरा हुआ नहीं लग रहा है। हेमकूट पर्वत पर गया ना तो आवाज़ नहीं हुई रथ के उतरने की, नंबर एक, दूसरे धूल नहीं हुई और तीसरे उसमें किसी प्रकार का कोई रोक गड्ढा इत्यादि होने से कोई रोक नहीं होने से कोई रोक नहीं हुआ, तो इसलिए लगता है कि तुम्हारा रथ उतर कर भी नहीं उतरा। ये सब घटनाएं नहीं घटी ना, न तो शब्द हुआ, न धूल उड़ी, न किसी ने रोका, तो इसलिए यह रथ जो है उतरा हुआ होकर भी उतरा हुआ नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलते। मातली एतावानेव शतक्रतो रायुष्मतश्च विशेषः, यही आपकी और आयुष्मान शतक्रतो
इंद्र और आयुष्मान में इतना ही अंतर है। इंद्र और इसमें इतना ही अंतर है। विशेष राजा मातले कतमस प्रदेशे मारीचाश्रम, राजा कहता है कि इस कौन से प्रदेश में मारीच का आश्रम है। मारीच मतलब मरीची के पुत्र कश्यप का आश्रम है, आश्रम है हिंदी। तो वो कहता राजा मातले कतम अस्मिन प्रदेशे मारीच आश्रम, इसमें मारीच का आश्रम कौन सा है। मातली हस्तेन दर्शयन, मातली हाथ से दिखाकर कहता है कि जहाँ ठूट के समान स्थिर वे ऋषि वल्मीकाग्र निमग्न मूर्ति रुरसा संदष्ट सर्पत त्वचा कंठम जीर्ण लता प्रतान वलये नात्यथ संपीडितः असंव्याप शकुंत नीड निचितम बिभ्रज जटामंडलम यत्र स्थाणु रिवाचलो मुनिरसाभ्य मुनिरसावभ्यर्क बिंब स्थितः बिंबम स्थितः। ये क्या कह रहे हैं कि अत्र वल्मीकाग्र निमग्न मूर्ति है, जहाँ वल्मीकाग्र निमग्न मूर्ति है। वल्मीक मतलब जो बांबी है, दीमकों की बांबी, उसमें निमग्न मूर्ति है, उसमें जिसका जिसकी मूर्ति जो है निमग्न हो गई है मूर्ति। और संदष्ट सर्पत त्वचा, उनका सर्वभावी उनके छाती से सांप की संदष्ट सर्पत त्वचा, ये सांप छाती में सांप की केचुली लगी है। उरसा कंठे, उनका गला क्या है, उरसा कंठे जीर्ण लता प्रतान वलयेन अत्यर्थ संपीडित, उनके गले में लताओं के प्रतान वलय लता वल्ली के तंतुओं के चारों तरफ लिपट गए, इस कारण से अत्यंत संपीडित हैं, पूरी तरह से कसा हुआ है उनका। तथा असंव्याप शकुंत नीड निचितम जटा मंडलम, और इसके साथ ही क्या है, जटाओं का जटा उनके सिर पर जटाए हैं, जटाओं का घेरा धारण किए हुए हैं। और आगे कहते हैं जटाओं का घेरा धारण किए हुए हैं और आगे विभ्रत स्थाणु ये वचलो ठूठ के समान असो मुनि, ये मुनि आगे अर्क बिंबम अभिस्थित, सूर्य की ओर मुंह करके स्थित हैं। क्या फिर से देखते हैं, वो देखिए सामने वो ऋषि हैं और उनका शरीर जो है क्या है, वल्मीकाग्र निमग्न मूर्ति है। वल्मीकाग्र सांप की बांबी में, दिमकों की बांबी होती है ना, उनमें निमग्न मूर्ति, उनका शरीर गड़ गया है। असंदष्ट सर्पत त्वचा, और उनके सर्पत त्वचा सांप की जो केचली होती है उनके शरीर में लिपटी हुई है। और उरसा संदष्ट सर्पत त्वचा उरसा छाती में सांप की केचुली लिपटी हुई है। कंठे कंठ में क्या हुआ, जीर्ण लता प्रतान लता के जो तंतु हैं उनसे वलयन उनके घर में लिपट गई है। और अत्यंत संपीडित है, बुरी तरह से कसा हुआ है। असंव्यापी शकुंत नीड निचितम, और वे असंव्यापी जिसमें क्या है कि असंव्यापी पक्षियों के घोंसले, असंव्यापी शकुंत नीड निचितम, असंव्यापी मतलब पक्षियों फैले हुए हैं। शकुंत नीड निचितम पक्षियों के घोंसले किसमें, तो जटामंडलम उनके जटाओं के घेरे में, ऐसे जटाओं के घेरे को जिसमें असंव्यापी जो अंशव्यापी अंशव्यापी कंधे तक जो फैला हुआ है, अंशव्यापी अंशव्यापी कंधे तक फैला हुआ जो शकुंत नीड निचितम जटामंडलम,
पक्षियों के घोंसलों से भरा हुआ जो उनका जटामंडल है, इन सब को धारण करते हुए ठूंठ के समान वो मुनि देखिए सामने सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं। क्या क्या विशेषताएं हो गई कश्यप मुनि की? एक तो उनका शरीर दीमकों की बांबी में धंसा हुआ है। नंबर दो क्या हुआ कि उनकी छाती पर संदष्ट सर्पत त्वचा, सर्प की त्वचा उनकी छाती पर लगी हुई है, संदष्ट सर्पत त्वचा उर्सा छाती पर। और कंठ में जीर्ण लता, पुरानी लताएं जो हैं उनके कंठ में वलय घूमी हुई हैं, मतलब फंसी हुई हैं गले में घूमकर, और मतलब गले में घेरा डाल रखा है उन लताओं ने। अत्यर्थ संपीड़ता, उस कस गया है उनका गला उसमें। और अनसब व्यापी और कंधे तक फैले हुए जटा नीड शकुंत नीड निचितम, पक्षियों के घोंसले से भरे हुए जटामंडल वाले, जटामंडल को धारण करते हुए ये ठूंठ के समान ऋषि आगे खड़े हैं। यह ऋषि का परिचय बताया। राजा, नमस्ते कष्ट तपसे, हे कठिन तपस्या करने वाले आपको नमस्कार है। मातली संयत प्रग्रहम रथम कृत्वा, और मातली क्या करता है, संयत प्रग्रहम, मातली लगाम को खींचता है, लगाम को रोककर, और रथ को भी रोक लेता है इस तरह से। महाराज, एतावद अदिति परिवर्धित मंदार वृक्षम प्रजापति आश्रमम प्रविष्टो स्वः। राजन, ये हम दोनों प्रजापति कश्यप के आश्रम में प्रविष्ट हो गए हैं। एतावद अदिति परिवर्धितम, अदिति यानी कि कश्यप की जो पत्नी है, अदिति परिवर्धितम, अदिति ने जिसको पाला पोसा है, बढ़ाया है, ऐसे मंदार वृक्ष को, मंदार वृक्ष वाले प्रजापति के आश्रम में यानी कश्यप के आश्रम में प्रविष्ट स्वः हम आ गए हैं। कि हे राजन, हम दोनों इस उसमें आ गए हैं, आश्रम में उसके प्रवेश द्वार में प्रजापति, क्योंकि उसके प्रवेश द्वार पर यह मंदार का वृक्ष जो है उसको कश्यप की पत्नी अदिति ने संवर्धन किया है, उसको पाला पोसा और बढ़ाया है। तो ऐसे आश्रम में हम आ गए हैं। राजा कहता है, स्वर्गाद अधिकतरम निर्वृत्ति स्थानम, यह स्थान स्वर्ग से भी ज़्यादा शांतिपूर्ण है। अमृत हृदमिवाव गाढ़ोस्मी, लगता है मैंने अमृत के सरोवर में प्रवेश किया है। यह स्थान स्वर्ग से भी ज़्यादा शांत है, और ऐसा लगता है जैसे हमने अमृत के सरोवर में प्रवेश किया है। अमृत हृदमिवाव गाढ़ोस्मी, जैसे उसमें स्नान किया है। मातलिह रथम स्थापयित्वा अवतरत्वायुष्मन, हे आयुष्मान आप उतरें, हे राजा साहब आप उतरें। राजा अवतीर, मातले भवान कथम इदानिम, मातली का राजा कहता है कि अब आप क्या करेंगे? तो मातली कहता है, संयंत्रितो मया रथ, मैंने रथ का नियंत्रण कर लिया है, वयम अप्यवतराम, मैं भी उतरता हूँ। तथा कृत्वा इत आयुष्मान, हे राजन इधर से चलिए परिक्रम में। दृश्यताम अत्र भवताम ऋषिणाम तपोवन भूमयः, अब आप तपोवन भूमि जो है ऋषियों की तपोवन भूमि के दर्शन करें। राजा पूछता आप क्या करेंगे, तो उसकी भी इच्छा है, तो वह ऋषि के दर्शन की, तो वह कहता मैंने रथ को अच्छी तरह से संयमित कर दिया है, और अब मैं भी उतरता हूँ, और इस तरफ से चलिए, अगर ऋषियों को देखना है तो उनके दर्शन करने हैं तो इस तरफ से चलिए। दृश्यंताम अत्र भवताम ऋषिणाम तपोवन भूमियः, यह दृश्य अत्र भवताम ऋषिणाम तपोवन भूमि, आपके ऋषि अत्र भवताम आदरणीय ऋषियों की तपोवन भूमि को देखें यहाँ से। वो मातली कहता है, राजा ननु विस्मयाद अवलोकयामी, राजा कहता हाँ निश्चय ही उससे देखता हूँ, आश्चर्य से देखता हूँ।
राजा ने उसको मातली को पूछा कि अब आप क्या करेंगे, उसने कहा मैं भी उतरता हूँ, अब आप इसे चलिए और देखिए। इसका मतलब है कि मातली के की भी इच्छा थी ऋषि के दर्शन की। तो इस तरह से हमने आज कुछ और पारायण किया, शेष हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।